आपने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सौजन्य से आयोजित जिला विधिक साक्षरता और जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत आज के इस मेगा कैंप में मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित आदरणीय जनपद न्यायाधीश महोदय, आज के कार्यक्रम में मंचासीन पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़, कार्यक्रम में उपस्थित अपर जिला जज साहब, सीडीएम साहब, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, इस शिविर और पूरे अभियान को चलाने वाले जिला विधिक साक्षरता सेवा प्राधिकरण के सचिव श्री नीरज त्रिपाठी जी, इस कार्यक्रम में शिरकत करने वाले सभी हमारे अधिकारीगण, सभी लाभार्थीगण जो आज इस कार्यक्रम में पधारे हैं, पुलिस के हमारे साथी, मीडिया के साथी जो इस पूरे अभियान का कवरेज कर रहे हैं, भाइयों और बहनों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि आप आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। ये एक लगातार चलने वाला कार्यक्रम है। भारत सरकार के सौजन्य से आजादी से अमृत महोत्सव पूरे वर्ष के कार्यक्रम उसमें कराए जा रहे हैं और उसी के साथ ही भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा भी, नालसा द्वारा भी ये कार्यक्रम उसके साथ पैरेलली कराए जा रहे हैं, जो 14 नवंबर तक एक अभियान के तौर पर चलाया जा रहा है। जनपद में विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा विभिन्न कार्यक्रम पहले भी होते रहे हैं और लगातार कराए जा रहे हैं, जिसमें हर गांव तक पहुंचने के लिए लगभग 2200 से ज्यादा गांव में कार्यक्रम कराए गए हैं, तहसील मुख्यालयों पर कार्यक्रम कराए गए हैं, ब्लॉकों पर कार्यक्रम कराए गए हैं। उसके लिए जो जनपद न्यायाधीश महोदय का मार्गदर्शन रहा है और सचिव विधिक सेवा प्राधिकरण त्रिपाठी जी का जो लगातार अनुश्रवण और उन्होंने जा जा के जो गांव में कार्यक्रम किए हैं, उनका मैं आभारी हूं, धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने विधिक साक्षरता बढ़ाने में जो प्रयास किए हैं वो अत्यंत सराहनीय। पहले हम लिटरेसी की बात करते थे, साक्षरता की बात करते थे, अब थोड़ा सा उसमें अंतर आ गया है, अब फंक्शनल लिटरेसी की बात करने लगे हैं। पहले किसी आदमी का अंगूठा लगाने से साइन कर लेना ये समझा जाने लगा था कि वो आदमी पढ़ लिख गया, अब उसको चीजों की जानकारी होना, अपने अधिकारों के बारे में जानकारी होना, अपनी जिम्मेदारियों के बारे में जानकारी होना भी साक्षरता का एक अहम हिस्सा है। और उसमें चाहे फाइनेंशियल लिटरेसी हो या फिर विधिक साक्षरता हो, वो सब भी एक बहुत अहम पहलू है। ये सवाल एक बनता है कि आज आप सब लाभार्थियों को इस कार्यक्रम में क्यों बुलाया गया? सरकार अपनी योजनाओं से आप सबको लाभान्वित करती है, आपको बहुत सारे कार्यक्रमों में बुलाया जाता है, आपको घरों की चाबियां दी जाती हैं, शौचालय की चाबी दी जाती है, समूहों को सम्मानित किया जाता है, सर्टिफिकेट दिए जाते हैं। तो आज इस कार्यक्रम में बुलाने का आपको क्या मकसद हो सकता है? नालसा द्वारा सालसा के माध्यम से, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से आपको आज बुलाने का मकसद जो मुझे समझ में आता है वो ये है कि आप विधिक तौर से भी आपको साक्षर करना जरूरी है, आपको विधिक साक्षरता भी देनी जरूरी है। लाभार्थीकरण योजनाएं तो आपको मिल रही है, आपको घर मिल रहा है, आपको शौचालय मिल रहा है, आपको समूहों के माध्यम से रोजगार की गारंटी मिल रही है, आपको आपके बच्चों को निःशुल्क पढ़ाई मिल रही है, सब कुछ मिल रहा है, परंतु अपने अधिकारों को पाने के लिए और किसी भी सामाजिक बुराई से लड़ने के लिए जो सामाजिक न्याय की व्यवस्था है वो भी आपको मिलनी चाहिए। और उसके लिए क्या कोशिशें न्यायालयों के द्वारा की जा रही हैं, क्या कोशिशें सरकारों द्वारा की जा रही हैं, उसकी जानकारी भी होना आपको आवश्यक है। इसीलिए ये साक्षरता के कार्यक्रम भी कराए जा रहे हैं, ताकि आपको अपने अधिकारों की जानकारी हो सके,
आपको ये पता चल सके कि अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो आप कहाँ अप्रोच कर सकते हैं, किससे आप संपर्क कर सकते हैं, क्या सही है क्या गलत है, कैसे आप न्याय पा सकते हैं, क्योंकि न्याय पाने का अधिकार भारत के संविधान के द्वारा हरेक को दिया जाता है और वो अधिकार आपको आपकी लाभार्थी परक योजनाओं के साथ मिलना अनिवार्य है और जरूरी है। और अगर वो आप उससे वंचित रहेंगे तो आप जो आपका बनता है जो आपका अधिकार है उससे आप वंचित रहते हैं। आज आप सब लोगों को इसलिए यहां पर बुलाया गया है कि आपको ये जानकारी हो सके कि ऐसी भी कोई चीज है कि अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, अन्याय हो रहा है, कहीं उत्पीड़न हो रहा है, तो उसको लड़ने के लिए सरकार की तरफ से, माननीय न्यायालयों की तरफ से व्यवस्था बनाई गई है। आप जा सकते हैं, वहां पर संपर्क कर सकते हैं। पैरालीगल वॉलंटियर्स की व्यवस्था है। आपके परिवार के व्यक्ति के साथ किसी के साथ गलत हुआ है, वो जेल चले गए हैं, आप वकील नहीं कर सकते हैं, तो सरकारी वकील उपलब्ध कराने की व्यवस्था है। आपका केस लड़ने की व्यवस्था है। अगर आपका कोई व्यक्ति है जिसको आप बेल में छुड़वा नहीं पा रहे, उसकी जमानत हो गई है, आप जमानत की धनराशि नहीं जुटा पा रहे, आप बेल बॉन्ड नहीं दे पा रहे, आपको समझ में नहीं आ रहा है आप क्या करें, तो आप जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से संपर्क कर सकते हैं, पैरालीगल वॉलंटियर से संपर्क कर सकते हैं, हमारे कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं, जनपद न्यायाधीश महोदय के यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं। ये आपको जानकारी होनी चाहिए। वो जानकारी आपको तभी होगी जब आप रूबरू होंगे इन चीजों के, जब आपके सामने से ये चीजें गुजरेगी आपको। नहीं तो कोई भी व्यक्ति जिलाधिकारी के कार्यालय में या पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में तभी आता है जब उसको दिक्कत होती है, और न्यायिक प्रक्रिया से वो तभी गुजरता है जब या तो वो उसको किसी मामले में बुलाया जाता है, तलब किया जाता है, या फिर